टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम की घोषणा हो गई है और उसमें जगह बनाई है पंजाब के स्पीड स्टार अर्शदीप सिंह ने। मैंने कहा हाँ जी पाजी मुबारक है, तो बड़ा खुश होया, कहिंदा कोच साहब तुहानू भी बहुत मुबारक है। इतने इंटरनेशनल लेवल खेलने के बाद उसका जो हेड है वो नीचे है, जमीन पे है, और इतना सिंसियर लड़का मैंने देखना नहीं। उसके फादर से बात हुई तो कहना पाजी बल्ले बल्ले मुबारक है। टीम अनाउंस नहीं होती तब तक तो फिर दत्तक तो रहती है दिल में, तो उसके भी दिल में था कि कहीं कोई और ना हो जाए, कुछ वो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर कोई लड़का भी बैठेगा उसको ही नहीं बोलेगा और खड़ा हो मैच चेयर देने को, नहीं वो खड़ा रहेगा जब तक उसको कोई चेयर ऑफर नहीं करता। तो अभी भी वो हम्बल है, काफी हम्बल है। हाँ टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम की घोषणा हो गई है और उसमें जगह बनाई है पंजाब के स्पीड स्टार अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप होगा, अमेरिका और वेस्टइंडीज। हमारे साथ उनके कोच जसवंत राय मौजूद हैं। जसवंत जी, काफी बार आपसे बातचीत हुई है, जब जब अर्शदीप ने अचीव किया इंडियन टीम में आया, अब फाइनली पहला वर्ल्ड कप टी20 अर्शदीप खेलने जा रहे हैं, कैसे पता लगा आपको? एक्चुअली ये मेरे को आपके न्यूज़ के द्वारा ही पता चला है। एक्चुअली मैं कहीं बैठा हुआ था फंक्शन में, तो मुझे आपका फ़ोन आया, तो आपने कहा मुबारक है, मैंने कहा किस चीज़ की, तो आपने कहा था बेटा आपका बच्चा आपका वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ, तो बहुत खुशी हुई मेरे को। फिर उसके बाद इमीडिएटली मैंने जैसे ही आपका फ़ोन कट हुआ, फिर मैं अर्शदीप से बात की, तो वो बहुत खुश था, उसको मुबारकें दी। तो फिर बस उसको यही कहा कि ये जो अब 5 मैच बचे हैं, ये हमारी प्रेपरेशन है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मेन वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी है, एक हिंदुस्तान को एक गोल्ड मेडल लेके हम वर्ल्ड कप लेके आना है। तो बड़ा खुश था, वो भी बड़ा खुश था। खुश इसलिए ज़्यादा हम दोनों हैं कि इस पर जैसे जैसे अब हिंदुस्तान के पास फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो हमने बहुत सारे फास्ट बॉलरों में से निकल के हम आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि एक हेल्दी कंपटीशन से हमारी सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुशी हुई इस बात से। अभी IPL चल रहा है, अर्शदीप की अभी तक की परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे? और उससे पहले जब आपकी बात हुई अर्शदीप से, क्या अर्शदीप का कहना था, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही, वैसे मैंने कहा हाँ जी पाजी मुबारक है, तो बड़ा खुश हुआ, कहना कोच साहब तुहानू भी बहुत मुबारक है। बस यही बात हुई कि मैंने उसको यही कहा कि बेटा अब ये जो 5 मैच हमारे जो रिमेनिंग रह गए हैं जो अपने फ्रेंडशिप लेगी, तो अच्छा करना, तो ये आपके लिए हमारे लिए प्रेपरेशन वर्ल्ड कप की जो है उसके लिए तैयारी करनी है, जो कमियां लग रही हैं उसमें और मुरू पर मैच में क्या क्या लगता है तेरे को कि मैच के ड्यूरिंग क्या हमने तो पिछले मैचों में क्या गलतियां की हैं, उसको आगे 5 मैचों में सुधारना, ताकि वो वहां पे जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से यहां पे बॉल करने की कोशिश करनी। अभी तक जो आपने अर्शदीप को जितना देखा है, आपने निखारा है, अभी IPL में भी चल रहा था, जैसे आप मैच देखते हैं अर्शदीप के जब भी, और जब खासकर उसकी बॉलिंग को बहुत बारीकी से आपने देखा भी है। एक बार मुझे याद है नेट में जब अर्शदीप बॉल कर रहा था, आपने स्पेशल उसको यॉर्कर की, और उसके काफी आप कहते हैं ना बारीकी नजर कोच की होती है। प्लस पॉइंट आपको अभी अर्शदीप में क्या नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों से? प्लस पॉइंट ये है कि एक तो उसको एक्सपोजर काफी मिल चुका है और एक कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप हुआ है उसके अंदर, तो एक अब टैक्टिकल जो चीजें हैं उसके अंदर काफी ज्यादा सीख ली है उसने टैक्टिकल चीजें, तो उसके स्किल के साथ, तो स्किल वाइज तो अच्छा ही था, तो अब जो टेक्टिकल चीजें हैं वो काफी सीख गया। जैसे अभी रिसेंटली रसल को आउट किया उसने, वो उसकी प्लानिंग थी कि मैं इसको वाइड, चाहे वाइड हो जाए लेकिन मैं आउटसाइड आउटसाइड यॉर्कर मारूंगा, तो उसने उसको पहले 2 वाइड की, फिर आउटसाइड और ये एक यॉर्कर गया, डॉट बॉल गया, फिर एक बार एक फिर वाइड गई, तो रसल के माइंड में ये था कि शायद ये हर बॉल यहीं पे फेंकने वाला, तो उसके बाद उसने नेक्स्ट बॉल उसका बाउंसर मारा, वहां पे आउट कर लिया। तो ये चीजें टेक्टिकल चीजें हैं, वो काफी सीख चुका है। जैसे वर्ल्ड कप का पता था कि टीम अनाउंस होनी है, IPL चल रहा है, सेलेक्टर्स की नजरें भी काफी थी, सिराज साथ में है, बुमराह है, अर्शदीप है, आपको कितनी उम्मीद थी? आपको लग रहा था कि बहुत टफ कंपटीशन है? मैं मतलब सच पूछना चाहूंगा। एक्चुअली थोड़ा हमें भी काफी टफ लग रहा था, क्योंकि देखो काफी फास्ट बॉलर हिंदुस्तान में अब पैदा होने शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक ईरा था ऐसा कि फास्ट बॉलर नहीं मिलते थे, तो अब तो बहुत बंच आ रहा है फास्ट बॉलरों का, अच्छे अच्छे फास्ट बॉलरों का, तो उसमें से निकल के आना मेरे लिए एक काफी लगता है कि ये काफी बड़ी अचीवमेंट है अर्शदीप के लिए, क्योंकि देखो मुकेश कुमार, उसके बाद आपका खलील अहमद एक्सपीरियंस बॉलर है, अवेश आपका अवेश खान है, फिर हर्षल पटेल था, तो और कई 3-4 और फास्ट बॉलर यंगस्टर जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको छोड़ के आना बीच में निकलना, तो मैं सिलेक्टरों को ये सब थैंक्स करता हूँ कि एक शायद मुझे लगता है कि उसको ये भी एज मिला कि वेस्टइंडीज वाला जो पहले टूर था उसका, तो वो उन चीज़ों से यूज्ड हुआ, वो विकटों पे USA में भी खेल के आया, तो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया उन विकटों पे,
तो उसको इस चीज का भी एज मिला हुआ कि वहाँ पे यूज टू है, तो अगर वो वहाँ जाएगा फिर वहाँ पे उसको साथ में लेफ्ट आर्म का भी एक रहता है। हाँ लेफ्ट आर्म भी, इस बार लेफ्ट आर्म में कंपटीशन था, नटराजन अच्छी बॉल कर रहा था, खलील ने अच्छा बॉल डाला और एक दो लेफ्ट आर्म और मोहसिन खान अच्छा बॉल डाल रहा था, तो इस पर काफी अच्छा लगा कि एक काफी अच्छे हेल्दी कॉम्पिटिशन से अगर बाहर आके बच्चा ऊपर टीम में सिलेक्ट होता है तो काफी खुशी होती है उस चीज में, क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसको गाइड भी करते हैं जैसे। और अभी आप वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट के मोस्टली जो टॉप खिलाड़ी हैं वो इस आईपीएल में हैं, एज ए कोच एज ए मेंटोर आप अर्शदीप को क्या कहेंगे कि हल्का सा भी ये सुधार करना है, क्योंकि देखिए अमेरिका की पिचे अलग हैं और वो अमेरिका की पिचे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बन के गई हैं, वहां पे ड्रॉप इन पिचे हैं, ये यहां पे बहुत अहम है कि अमेरिका में जो पिचे हैं वो ड्रॉप इन पिचे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तैयार हुई हैं वहां पर उनको बिछाया जाएगा, ये चीज आपको कैसे देखते हैं कितना अलग रहने वाला है? एक्चुअली ये सब कुछ है वो डिफरेंट होने वाला, अब ये यहाँ से विकटों में वहां पे विकटों में, अभी यहाँ पे विकटें तो बहुत काफी ऐसी ट्रू मिली है, दो दो सत्तर सत्तर रन चेज हो रहे हैं, तो मैं वही अभी पहले यही बहुत कि वो यूएसए और वेस्टइंडीज में एक दौरा कर चुका है तो उसके बारे में उसने मेरे से बात की थी, तो कह रहा मैं मुझे पता है कि वहाँ पे मैंने क्या करना है क्या नहीं, तो इस चीज का उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा इस चीज का कि वो ऑलरेडी वहाँ पे खेल आ चुका है खेल के। उनके पेरेंट्स से बात हुई थी, क्या कह रहे हैं? उसके पेरेंट्स जब मैं फोन मिला रहा तो मुझे को 10 मिनट बाद कॉल बैक आया, क्योंकि बहुत बिजी फोन था कि वो उनके रिश्तेदार और भी कई मुबारकें दे रहे होंगे, तो फिर 10 बाद जब उसके फादर से बात हुई तो कहना पारी बल्ले बल्ले मुबारकें, फिर मदर से बात हुई तो मदर ने भी कहा कि सर तैनू कोसा बहुत बहुत मुबारकें, तैनू बच्चा सिलेक्ट हो गया साडा, तो बहुत बहुत खुश थे वो पेरेंट्स भी, क्योंकि पेरेंट्स कल भी शायद लग रहा था कि कल अनाउंस हो जाएगी रात को, तो पेरेंट मैं उनके घर पे ही था, तो रात को मैं 12 बजे आया डिनर वहीं करके, तो हम लोग ऐसा सो रहे थे कल डिक्लेयर हो जाए टीम, शायद कोई लग रहा था ऐसा कि कल ही ना हो जाएगी आज, तो हमें भी लग रहा था कि आज नहीं होगी, शायद फर्स्ट को होगी। अर्शदीप को कितना था आपसे बात हुई होगी, वो कितना प्रिपेयर था कि हाँ आएगा नहीं आएगा? नहीं वो थोड़ा उसको लग रहा था कि शायद मैं आऊंगा क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो इतना मतलब आईपीएल में अच्छा करके आ रहा है, पीछे इंटरनेशनल में भी अच्छा करता आ रहा है वो, अभी तो वनडे में भी उसने अच्छा किया, तो कॉन्फिडेंस था, फिर भी जब टीम अनाउंस नहीं होती तब तक तो फिर धक तो रहती है दिल में, तो उसके भी दिल में था कि कहीं कोई और ना हो जाए, कुछ वो आ सकता है कुछ भी आ सकता है। फाइनली क्या टिप्स देंगे अर्शदीप को आप आने वाले टाइम में अमेरिका और वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप, उससे पहले? बस यही टिप्स है कि एक पिछले वर्ल्ड कप में हम T20 में काफी ज्यादा दिन लेके नहीं आ रहे, उसको मैं यही टिप्स दूंगा कि बिरला चक दे शेर पंजाब दे, उसे विकटा कट दे, अपना वर्ल्ड कप चुकवा के लिए इंडिया। अच्छा एक और सवाल ध्यान में आता है, आपको लगता है कि सपने जैसा है कि कुछ साल पहले एक आम घर का लड़का जिस तरह से उसकी मदर साइकिल पे छोड़ने आते थे, आपकी आपसे मिला, छोटे से आपने देखा, आज वो इंडियन टीम का स्टार है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, कुछ लगता है कि 4-5 साल में इतना सब कुछ हो जाता है? नहीं ये देखो उसकी मेहनत है, या भगवान ने ऊपर एक जरिया बनाया उसका और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसकी मेहनत का फल मिला ये, और उसका एक मेहनत के तो चलो मेहनत तो हर बच्चा करता है, लेकिन अभी भी इतने इंटरनेशनल लेवल खेलने के बाद उसका जो हेड है वो नीचे है जमीन पे है, और इतना सिंसियर लड़का मैंने देखना नहीं है, अभी भी जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आता है तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लगती, छोटा सा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है उसके साथ वैसे बिहेव करेगा, चाहे ग्राउंड मैन है या कुछ है, तो वो अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ कोई तो वो खड़ा रहेगा, अगर कोई लड़का भी बैठा उसको ही नहीं बोलेगा और खड़ा हो मैं चेयर दे मेरे को, नहीं वो खड़ा रहेगा जब तक उसको कोई चेयर ऑफर नहीं करता, तो अभी भी वो हम्बल है, काफी हम्बल है। चलिए बहुत बहुत मुबारक है और एक बार फिर से कोच साहब वर्ल्ड कप में उम्मीद रहेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे जसवंत राय अर्शदीप सिंह के कोच, T20 वर्ल्ड कप के लिए पंजाब के अर्शदीप जगह बना चुके हैं, शुभमन गिल को जगह नहीं मिली, वो रिजर्व में है, अब उम्मीदें हैं इस टीम पर, क्या T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज में हो रहा है जो जून में झोली में आएगा नहीं, देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।